हेलो दोस्तों, तो क्या हो रहा है। तो दोस्तों YouTube ने एक अपडेट किया। अब उस अपडेट के बाद आपको जो कम्युनिटी टैब है वो बहुत ही कम सब्सक्राइबर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक ये कि आपका जो कम्युनिटी टैब है वो कितने सब्सक्राइबर पर अब मिलेगा, साथ में आपको कैसे मिलेगा। अगर आपका उतना सब्सक्राइबर हो चुका है और अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको तुरंत एट ए टाइम मिल जाए। साथ में एक दूसरा टॉपिक है वो ये कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका चैनल हाल में ही मोनेटाइज हुआ है और ऐसे में उनका जो एडसेंस पिन है वो अभी तक उनको नहीं मिला है। तो उन लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई कब एडसेंस पिन आएगा, या फिर कब मेरा चैनल वेरीफाई होगा, या फिर कब मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। तो उस डाउट को भी मैं आज क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि मेरा एडसेंस का पिन आ चुका है। तो वो कैसे आया, कितना दिन लगा, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एडसेंस पिन कब मिलता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपके चैनल में $10 हो जाए, उसके बाद आपके एडसेंस को वेरीफाई किया जाता है YouTube की तरफ से। और जब वो वेरीफाई हो जाता है तब आपके घर पे पोस्ट के द्वारा एडसेंस पिन भेज दिया जाता है। बात करते हैं कि मोनेटाइज होने के बाद कब तक वेरीफाई करना होता है। देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। आपने चैनल मोनेटाइज करवाया, आज आपके चैनल में आज जो है वो आपको $1 है। अब अगला जो $9 है यानी कि $10 वो आपको एक महीना के बाद होता है, ठीक है। तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो एक महीना के बाद होगा, यानी कि जब आपका $10 आपके अकाउंट में YouTube अकाउंट में हो जाएगा, जो कि एडसेंस में पैसा बाद में जाता है, आपके YouTube में हो जाएगा, आपको एक ईमेल आएगा आपको कि एडसेंस वेरीफाई करने के लिए आप अप्लाई करिए। आप एडसेंस वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। सब कुछ आपका अगर सही रहेगा, आपका पैन कार्ड जो भी होता है सब सही रहेगा, आपका तुरंत वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका जो पिन है वो आपके पते पर भेज दिया जाता है। उसको आने में मिनिमम 20 डेज लगते हैं विलेज इलाका में। अगर आप किसी शहर में रहते हो सकता है कि आगे बस थोड़ा पहले पहुंच जाए, लेकिन अगर आप एक गांव में हो आपको 20 दिन से ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। मेरा जो एडसेंस है वो लगभग 24 दिन में आया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको घबराना नहीं है। कहीं भी आपके घर पे आपके गेट पे दे के जाएगा डाकिया, अगर आपका आपके यहाँ पोस्ट है तो वो दे के जाएगा। आपको हल्का घबराना नहीं है, बार बार आपको पोस्ट ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है, आपके घर पे वो खुद आएगा, क्योंकि वो जो है वो स्पीड पोस्ट से आता है। मैं आपको बता दूं आने में 20 दिन का समय नहीं लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर YouTube के पास रोज ना जाने कितने चैनल अप्लाई होते होंगे, मोनेटाइज होते होंगे, और सभी को एडसेंस पिन को भेजना होता है। तो वो कुछ सीरियल से ना भेजेगा, इसीलिए 20-25 दिन का समय लग जाता है। बाकी पोस्ट जो होता है पिन तो वो तो 1-2 दिन में आ जाता है क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडसेंस पिन का। उसके बाद आपका पिन आएगा, पिन वेरीफाई करोगे आपके एडसेंस में पैसा आ जाएगा। और जब आपके एडसेंस में $100 हो जाएगा तो आपको वहां पर अकाउंट जोड़ने बोलेगा, अकाउंट जोड़ दोगे पैसा घुस जाएगा। ये हो गया एडसेंस की बात। अब बात करते हैं कि कम्युनिटी टैब। तो दोस्तों पहले क्या था कि YouTube पर कम्युनिटी टैब जो होता था इनेबल, वो था 1000 सब्सक्राइबर पे, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद YouTube ने अपडेट किया जहां पर कि अब जो है वो कम्युनिटी टैब 500 पे मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आपका मान लीजिए 500 सब्सक्राइबर हो चुका है और अब तक आपका कम्युनिटी टैब है वो इनेबल नहीं हुआ है, तो आपको जो है वो 1 सप्ताह तक रुकना चाहिए। सबसे पहले आप 1 वीक कम से कम रुको, देखो आपको कब मिलता है। मैं गारंटी देता हूं आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 वीक से ज्यादा हो गया तो भी आप 2-3 दिन और रुक जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि मिनिमम जो होता है वो 7 दिन तक एब्जॉर्ब करता है। चलिए मैं आपको पहले आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। मेरा जो चैनल था दूसरा चैनल, उस पर मेरा कम्युनिटी टैब नहीं ओपन हुआ था, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब को ट्वीट किया। अब ट्वीट करने का उसका क्या रिप्लाई आता है, देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट होगा। हाय देयर, यू विल गेट एक्सेस टू द कम्युनिटी टैब आफ्टर योर चैनल मेंटेन्स 500 सब्सक्राइबर फॉर 7 डेज। नोट दैट इट कैन टेक लॉन्गर टू अपीयर इफ द काउंट गोज बिलो द थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड वी वेयर हेयर इफ यू अदर क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि इसका कहना है कि आपका जो चैनल है उस पर आपको 7 दिन तक 500 सब्सक्राइबर अगर रहेगा, ठीक है, तो आपके आपको जो कम्युनिटी टैब वो दे दिया जाएगा, और अगर उससे कम हो जाता है तो फिर आपको नहीं मिलेगा और इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर बोला कि आई हैव 2800 सब्सक्राइबर सिंस 10 डेज बट आई डोंट गेट द कम्युनिटी टैब। फिर उसका बोलना था योर सब्सक्राइबर काउंट हैज टू कंसिस्टेंट बी 500 फॉर एन एंटायर वीक to enable your community tab. If it dips under that any point in that time frame, you will no longer eligible, so there could be a delay.
बात समझो, आपका सब्सक्राइबर 500 हो चुका है, आपका जो कम्युनिटी टैब है वो तब तक इनेबल होगा जब तक अगले 7 दिन तक आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर रहेगा। अगर वो 500 से कमता है तो फिर आपका जो टाइम है वो 7 दिन का बढ़ जाएगा। जी हाँ, इसीलिए टाइम लगता है। आप अगर ट्वीट भी करोगे तो वो आपको यही चीज़ बोलेगा, आपका अभी जो मुझे दिखाया मैंने आपको वही चीज़ बोलेगा। इसीलिए आपको बिना घबराए हुए इंतज़ार करना है, आपको आपका कम्युनिटी मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, तब फिर आप उसको ट्वीट करके बताओ, लेकिन फिर भी वो यही चीज़ बोलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो पूरी वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसकी पूजा कर लीजिए, और हाँ उसके बगल में घंटी रखी होगी उसको बजाते हुए आशीर्वाद ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।